नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। क्या आप बिहार में रहते हैं और क्या आप ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं, कायस्थ हैं, वैश्य हैं, कुर्मी हैं, कुशवाहा हैं, क्या हैं? अगर आप इनमें से कुछ भी हैं तो अब आपके लिए एक कोड जारी किया गया। मतलब ये हुआ कि बिहार में अब हर जाति की पहचान एक कोड के जरिए होगी, एक अंक के जरिए होगी। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि जाति आधारित जो गणना बिहार में चल रहा है उसके लेकर ये समझने में आसानी हो सके कि किस जाति किस अंक कौन सी जाति किस अंक में आती है और उनकी पहचान उस अंक के आधार पर किया जा सके। दरअसल खबर यह है कि बिहार में जाति आधारित गणना का दूसरा चरण शुरू हो रहा है 15 तारीख से, और इस दूसरे चरण में कई सारे अहम सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी खबर यह है और सबसे जरूरी अहम बात यह हो जाती है कि बिहार में हर जाति के लिए एक कोड जारी कर दिया गया है और उसी कोड के जरिए उस जाति की पहचान होगी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे कायस्थ हो, चाहे कुर्मी हो, कुशवाहा हो, कोई भी बिरादरी से आता हो। अब देखिए श्रेणियां किस प्रकार बांटी गई है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और किन श्रेणियों में किसको रखा गया है, किस जाति को, किस बिरादरी को कौन सा अंक दिया गया है, ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे। थोड़ा विस्तार से समझिएगा, थोड़ा पेशेंस रख करके सुनिएगा, क्योंकि आपकी जाति भी इसमें होगी और आपको भी पता लग जाएगा कि आप किस जाति जिस जाति से आते हैं उस जाति का अंक फिलहाल क्या रखा गया है। तो चलिए समझते हैं। बिहार में अब जातियों की पहचान कोड के जरिए होगी, ये तो आप जानते हैं, और जातीय गणना जारी है और पहले चरण का खत्म हो चुका है, दूसरे चरण का 15 अप्रैल से शुरू होने वाला है। जाति आधारित जनगणना के दूसरे चरण में जातियों की पहचान दिए गए अलग अलग कोड के जरिए होगी और दूसरे चरण में प्रपत्र के अलावा पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए जाति के अंकों के आधार पर बनाए गए कोड भरे जाएंगे जिससे जातियों की पहचान होगी। अब देखिए दूसरे चरण की जो गणना है 215 और एक अन्य मिलाकर कुल 216 जातियों की आबादी की गिनती होनी है। 11 अप्रैल तक अधिकारियों से लेकर गणना कर्मियों तक को प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसे लेकर उन्हें तैयार किया जाएगा। इसके अलावा कोड या अंक का उपयोग भविष्य की योजनाएं तैयार करने के लिए किया जा सकेगा। अब देखिए जैसे हम आपको कोड समझाने जा रहे हैं, जाति आधारित जनगणना में विभिन्न जातियों के लिए जो अलग अलग कोड का इस्तेमाल किया गया है, कुल 216 जातियों के लिए कोड पर अगर नजर डालें तो एक नंबर पर अगरिया जाति है, अन्य का कोड 216 है, वहीं केवानी जाति के लिए 215वां कोड इस्तेमाल किया गया है। सवर्ण जातियों की बात करें तो भूमिहार के लिए 144, कायस्थ के लिए 22, ब्राह्मण के लिए 128, राजपूत के लिए 171 जो है अंक दिए गए हैं, ये कोड दिए गए हैं। तो समझिए यदि आपको कोई 144 बोले तो समझिए कि 144 जो कोड है वो भूमिहार के लिए है, और यदि ऐसे ही कोई बात करे ब्राह्मण के लिए बात करे तो 128 कहिएगा, और कायस्थ अगर 22 कोई बात करता है तो समझिए कि वो कायस्थ की बात कर रहा है, इनका कोड जो है 22 है। इसी के आधार पर 25 जो है कुर्मी जाति का अंक रखा गया है, कुशवाहा कोयरी का जो 27 है, राजपूत के लिए 171, यादव जाति में देखिए यादव जाति में कई श्रेणियां हैं, इसमें कई श्रेणियों को बांटा गया है, और देखिए इनमें जो जो श्रेणियां हैं उनकी हम बात करें, ग्वाला, अहिर, गोरा, घासी, मेहर, सदगोप, लक्ष्मी नारायण, गोला के लिए 167 दिया गया है अंक। बनिया जाति में सूढ़ी, गोदक, मायरा, रोनियार, पंसारी, मोदी, कसेरा, केसरवानी, ठठेरा, कलवार, कमलापुरी वैश्य, महुरी वैश्य, बंगी वैश्य, वैश्य पुद्दार, बनवाल, अग्रहरी वैश्य, कसौधन, गंधवनिक, बाथम वैश्य, गोलदार आदि शामिल हैं। देखिए ये तमाम जातियां जो हैं उनके श्रेणियां बांटी गई हैं, जैसे बनिया जाति में जो श्रेणियां आती हैं उनको भी विभाजित किया गया है, इसके अलावा यादव जाति में जो श्रेणियां आती हैं उनको भी विभाजित किया गया है, और इन सभी को एक कोड दिया गया है। इस कोड के आधार पर पहचान होगी, और सबसे खास बात यह कि जाति आधारित जो गणना बिहार में शुरू होने जा रहा है दूसरा चरण, इसमें मोबाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि एक बार जिसकी गणना हो चुकी है उसकी गणना दोबारा ना हो, और इसको सुनिश्चित करने के लिए तमाम जो आंकड़े हैं उसमें फिट किए जाएंगे, और इसी के आधार पर पहचान होगी, और इसी के आधार पर यह देखा जाएगा कि कहीं दूसरी बार जाति आधारित इस गणना में कोई व्यक्ति शरीक तो नहीं हो गया, शामिल तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि आप राजधानी पटना में भी रहते हैं, वहां से भी आपकी गणना हो गई और आपने अपने गांव से भी करा दिया वो भी हो गया। तो इसको ध्यान में रखने के लिए सारी बातें की जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात, बिहार में अब हर जाति के लिए कोड जारी कर दिया गया है, कोड के जरिए ही अब जाति की पहचान होगी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।